हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट 09 AM में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिन निफ्टी का एक्सपायरी के बारे में, जो कि मंगलवार को है। उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं डे कैंडल पर और 5 मिनट चार्ट पे, दोनों पे हम लोग देखेंगे। डे कैंडल पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिन निफ्टी डे कैंडल पे है और ये डे कैंडल का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि डे कैंडल पे जो है वो मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है और क्या चल रहा है फिन निफ्टी में और क्या चीज है वो हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि फिन निफ्टी जो है इस जगह बहुत समय बिताया, ठीक है। थोड़ा सा आप पीछे से एनालिसिस करते हुए आएंगे दोस्तों, इस जगह से आप देख सकते हैं कि बहुत समय बिताया। समय बिताने के बाद इस लेवल को ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है, इस कैंडल के थ्रू। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद लगातार अप डायरेक्शन में रहा, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। फिर यहाँ से जो ब्रेक किया, इस तरीके से जो है मार्केट चल रहा था, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या है कि आप जब भी देख रहे हैं कि एक बड़ा गिरावट के बाद एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ हम लोग को मार्केट में देखने को मिल रहा है डे कैंडल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बड़ा मूव आया, फिर एक गिरावट आया, फिर मूव आया, फिर एक गिरावट आया, फिर मूव आया। तो अब ये गिरावट आ चुका है दोस्तों, एक इस तरीके का पैटर्न आपको बनते हुए यहाँ पर इस तरीके का दिख सकता है फिन निफ्टी में। तो चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हम लोग बात कर लेते हैं डे चार्ट पे कि कहाँ पर है कहाँ नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो दोस्तों कि एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन हमारा जो है ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस लेवल को टच किया मार्केट यहाँ पे और इस लेवल को यहाँ पे टच करते हुए 2 बार आपको दिखा है, ठीक है। डबल टॉप बना करके मार्केट अभी गिरते हुए दिख रहा है। तो एक तरह से ये एम पैटर्न भी था दोस्तों, जो कि कंप्लीट होते हुए भी आपको दिख रहा है फिन निफ्टी में, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, अब यहाँ से हो सकता है रिवर्सल आ सकता है फिर निफ्टी में। तो एक्सपायरी जो है दोस्तों हमारा मंगलवार को, तो एक्सपायरी के दिन आप हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट जो है कैसा बिहेव करेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, एक छोटा रेजिस्टेंस और ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। ये एक छोटा रेजिस्टेंस का लेवल कितना है हम लोग देख लेते हैं, 19,929। ये 100% दोस्तों बहुत अच्छा जो है वो रेजिस्टेंस है, इसको आप माइंड में रख लीजिए और अपने चार्ट पर भी इसको लगा करके रख लीजिए, 19,929, ठीक है, एक लेवल जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा। चलिए और हम लोग लेवल देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं और लेवल, ये एक जो है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन हमारा आ रहा है डाउन साइड से अप डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट बहुत बार इसको टच करते हुए आपको दिखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए और नीचे जाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मार्केट जो है एक बार, दो, तीन, चार, पांच, छह, 6 टाइम्स दोस्तों ये ट्रेंड लाइन को टच करते हुए मार्केट दिखा है और यहीं से सपोर्ट लेते हुए भी आपको दिख गया है। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है ये लाइन, तो इसको भी ट्यूसडे के दिन जो है वो माइंड में अपना रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप पुट ले सकते हैं 110%, जो कि आपको अच्छा जो है यहाँ से फॉल आते हुए मार्केट में दिख सकता है एक्सपायरी के दिन। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये जो लेवल है वो कौन सा लेवल है। तो ये दोस्तों यहाँ पर अगर डे कैंडल बनता है तो ये लेवल जो आएगा इसके आसपास आएगा, 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को ये लेवल जो आएगा 19,630। आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, 19,630 जो ब्रेक करेगा अगर, तो आप यहाँ पे पुट का पोजिशन बना सकते हैं और आपको बहुत अच्छा गिरावट मिलते हुए दिख सकता है, ठीक है। अब मार्केट का क्लोजिंग आप देख सकते हैं कि इस लेवल पर हुआ है, जो कि है 19,811। तो दोस्तों एक चीज आप देखने का है इसमें कि यहाँ पर हाई लगाने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं बड़ा बड़ा गैप जो है मार्केट बनाते हुए, यहाँ पे 4 कैंडल कंटिन्यू जो है वो फॉल होते हुए दिखा, रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन बनाया लेकिन इस रेड कैंडल के नीचे रह गया, फिर एक रेड बनाया जो भी इस कैंडल के नीचे रह गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंडल भी इसके नीचे रह गया। तो एक ये जो कैंडल आया दोस्तों, ये हमारा ट्रेंड लाइन को टच किया, जो कि सपोर्ट था। सपोर्ट के बाद एक यहाँ पे रेड बना और एक यहाँ ग्रीन बना, ठीक है। तो इसमें लॉजिक ये है दोस्तों कि देखिए, इसका हाई के ऊपर इसका हाई है और इसका हाई के ऊपर इसका हाई है, पहला, इसके लो के ऊपर इसका लो है और इसके लो के ऊपर इसका लो है। मतलब एक तरह से मानेंगे डे कैंडल में ये तीन जो कैंडल है हायर हाई बनाते हुए ये इस डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो क्या हो सकता है कि मंगलवार के दिन क्या हो सकता है कि एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको बनते हुए दिखेगा, जो कि इस तरीके का हो सकता है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके का हो सकता है,
ये हाई, ठीक है। इस तरीके का आपको कैंडल दिखाई दे सकता है, जो कि ये ब्लू लाइन जो है हमारा है 19,929 टच करते हुए मंगलवार के दिन मार्केट आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। क्योंकि नीचे से हायर हाई बनते हुए आपको मार्केट दिख रहा है, तो अगर ये कंटिन्यू रहता है ट्रेंड, तो इस ट्रेंड के हिसाब से हमारा जो ये ब्लू लाइन है इसको टच करते हुए मार्केट आराम से आपको मंगलवार को दिख सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज नोटिस करिएगा कि ये इसका जो लो है एक दूसरे के लो से ऊपर बनते हुए आपको दिख रहा है। तो चलिए अब हम लोग 5 मिनट में चलते हैं, और मंगलवार का जो स्ट्रेटजी है वो हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कि आपको ट्यूसडे के दिन किस हिसाब से ट्रेड करना है और कैसे ट्रेड करना है फिर निफ्टी में, क्योंकि एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी जो धमाका भी हो सकता है दोस्तों फिर निफ्टी में, तो हम लोग उसके हिसाब से चलिए देखते हैं कि क्या करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन जो है मार्केट यहाँ पे गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद इसको फिल करने के लिए आया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गैप फिल करना बाकी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया, और इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट अप डायरेक्शन में आपको यहाँ पे दिखा रहा, हायर हाई बनाते हुए आपको मार्केट यहाँ पर दिखा। लास्ट समय में जो है 1 घंटे में वो प्रॉफिट हल्का सा बुकिंग आते हुए भी आपको दिख गया, और यहाँ से सपोर्ट भी मार्केट लेते हुए आपको दिख गया। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 5 मिनट में कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, और वो जो है एक्सपायरी के दिन वो निफ्टी फिफ्टी सॉरी फिर निफ्टी जो है वो कैसे काम करेगा उसके बारे में। तो क्लोजिंग दोस्तों हमारा जो है 19,820 का क्लोजिंग है, ठीक है। और ये लाइन जो है दोस्तों ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा उस दिन, और ये सपोर्ट का काम करेगा बहुत अच्छा, जो कि ये लेवल है 19,840। अगर यहाँ से मार्केट फ्लैट खुलने के बाद इसको निकाल के यहाँ पे सस्टेन करता है, तो आप आराम से यहाँ पे कॉल का पोजीशन बना सकते हैं, जो कि हाई रहेगा हमारा। वो पहला टारगेट रहेगा 19,880, दूसरा टारगेट रहेगा 19,918 का, और तीसरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और तीसरा 20,000 का रहेगा दोस्तों। अगर मार्केट ये दोनों लेवल को क्रॉस कर देता है कल के दिन, मतलब एक्सपायरी के दिन मंगलवार के दिन, तो अब हमारा जो टारगेट रहेगा 19,000 का रहेगा, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है और आपको अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा फ्लैट खुलने के बाद इस कैंडल को निकालने के बाद पहला टारगेट हाई का रखेंगे, जो कि फ्राइडे का हाई है, दूसरा टारगेट है जो हमारा 19,920, और तीसरा रखेंगे 20,000, ठीक है। ये 3 टारगेट के लिए आप काम कर सकते हैं, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तब। अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करता है दोस्तों, तो उसका स्ट्रेटजी अलग होगा, वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलने के बाद अगर इस लाइन को ब्रेक करता है, जो कि हमारा सपोर्ट है, जो कि है 19,770, अगर इसको ब्रेक करता है तब हमारा पहला टारगेट जो आएगा वो 19,700 तक आ सकता है, ये पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट जो आएगा वो हमारा 19,650 तक आ सकता है। ये 2 टारगेट के लिए हम लोग नीचे की तरफ काम करेंगे पुट में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेते हुए भी आपको दिख सकता है, इसलिए 2 ही टारगेट हम दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ से मार्केट घूमते हुए भी आपको दिखा है, और भी पहले इस लेवल से मार्केट जो है वो रिटर्न होते हुए आपको दिख गया है। अब बात कर लेते हैं कि गैप डाउन हो जाता है, अगर अगर इस लाइन के नीचे गैप डाउन हो जाता है तो तुरंत पुट ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी है। जैसे ही गैप डाउन होगा, गैप डाउन होते ही मार्केट जो है वो नीचे आने लगेगा, और आपका यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा, और यहाँ 19,700 पहला टारगेट और 19,650 दूसरा टारगेट आपको हिट करते हुए तुरंत मार्केट दे सकता है, ठीक है। अगर गैप अप होता है इस लाइन के ऊपर, तो गैप अप के केस में दोस्तों ये हम लोग सेकेंड टारगेट तक ही जा सकते हैं, फिर थर्ड टारगेट के लिए आप नहीं रुकिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद आज का हाई ब्रेक कर देता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब तक फ्राइडे का हाई ब्रेक ना करे गैप अप होने के बाद, तब तक आपको कॉल नहीं लेना है फिर निफ्टी में, ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्योंकि होता क्या है कि मान के चलिए कि यहाँ पे हाई है, हाई आपका खुला, और यहाँ पे आपको जो कॉल वाले लोग होंगे ये सब कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे, तो हाई गैप अप होते ही ये प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि एक्सपायरी है। जैसे ये प्रॉफिट बुकिंग शुरू करेंगे तो मार्केट को नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो आप टॉप में यहाँ पे कॉल में फंस सकते हैं, ये चीज नहीं करना है दोस्तों। मार्केट को गैप अप होने दीजिए, गैप अप होने के बाद आज का हाई जो है फ्राइडे का हाई अगर ये क्रॉस कर देता है, तभी आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट होगा 19,920 का, ठीक है। ये 1 टारगेट के लिए आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको भी निकाल देता है तब तब आप 20,000 के लिए जा सकते हैं। जब तक 19,920 को नहीं निकालेगा, तब तक आप 20,000 के लिए नहीं जाइएगा, और यहाँ पे अपना जो है 19,920 यहाँ पे कुछ क्वांटिटी जो है वो बुक कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बुक कर सकते हैं, और आप जो है 20,000 तक के लिए जा सकते हैं, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा।
अब हम लोग तो आप ध्यान से ट्रेड करिएगा, क्योंकि ज्यादातर जो ट्रेडर होते हैं, नए ट्रेडर जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे कि एक्सपायरी के दिन एंट्री करेंगे, इसलिए एंट्री करते हैं दोस्तों। उसका भी पीछे लॉजिक है कि वो उनको लगता है कि आज का जो प्रीमियम है ना, बहुत सस्ता मिल जाएगा, 2,000 3,000 4,000 से ट्रेड करेंगे और वो पूरा लॉस करके चले जाएंगे, और फिर क्या करेंगे कि गाली देंगे कि मार्केट जो है वो बहुत घटिया है, ये है वो है, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो एंट्री टाइमिंग है ना दोस्तों, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन बाइंग के लिए, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखिए दोस्तों, मेरा तो होगा लॉस दोस्तों, अगर आपका डिसिप्लिन आपके हाथ में नहीं रहेगा, ठीक है। तो डिसिप्लिन एकदम रखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग है दोस्तों, मैं हर वीडियो में ये चीज चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा हूँ कि अगर डिसिप्लिन आपके पास नहीं है तो आपके लिए ये मार्केट नहीं है, सिंपल। आप ये मार्केट से दूर रहे तो आपके लिए भलाई है, ठीक है। डिसिप्लिन जो फॉलो करता है वही इस मार्केट में रुक पाएगा दोस्तों, अदरवाइज ये मार्केट रुकने नहीं देगा, सिंपल सा एक ही लाइन में आपको समझा दे रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, और ये जो जोन है दोस्तों, इसके अंदर जो है मार्केट फिर निफ्टी में एंट्री नहीं लीजिएगा। ये क्या कर सकता है आपको मैं बताता हूँ कि मान के चलिए कोई प्रीमियम यहाँ पे मार्केट खुला, खुलते ही आपने ले लिया, तो यहाँ पे मान के चलिए कि आपका प्रीमियम जो रहेगा 100 रुपया का एक प्रीमियम रहेगा, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 100 से आपका 110 होगा, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, 80 होगा, फिर ऊपर जाएगा, 100 होगा, फिर 80 होगा, फिर 90 होगा, फिर ऐसे करके टाइम डीके करेगा। टाइम डीके करके जो 100 रुपया प्राइस है वो इस लेवल तक ये खत्म कर देगा, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ फ्लैट खुल के समय बिता दे और आपने यहाँ कहीं 100 रुपया पे लिया है, तो इसको क्रॉस करते करते भी इसका जो है ना 100 रुपया रेट नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी भी है, टाइम बहुत फास्ट डीके करेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये लेवल कहीं क्रॉस कर जाए, भले मार्केट मान के चलिए कि 9:15 में खुला, 9:15 से 10:15 तक इसी समय इसी लाइन में बिता दिया, तो पेशेंस लेके रखना है दोस्तों, पेशेंस रखिए और मार्केट को किसी एक लेवल को क्रॉस करने दीजिए, या तो यहाँ से ऊपर ब्रेक करने दीजिए या तो यहाँ से नीचे ब्रेक करने दीजिए, तभी आपको एंट्री लेना है, ठीक है। अगर इस लाइन में आप एंट्री ले लेंगे तो आपका कॉल में भी पुट में भी दोनों में आपका लॉस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, 100% दोस्तों, ठीक है। इसीलिए एक तरफ ब्रेक करेगा तो डायरेक्शनल मूव मिलेगा, तुरंत अपना प्रॉफिट लीजिए और निकल जाइए मार्केट से, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच।